माय गॉड, अमूल की पाव भाजी। चल पड़े हैं बेसिकली टेस्ट करने के लिए सरदार जी पाव भाजी तारदेव पे जो मिलती है। तो तारदेव जो है हमारे नागपाड़ा से एक कितना सर, 3 किलोमीटर होगा, 2-3 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, अच्छा 2 किलोमीटर के आसपास, 1.5 किलोमीटर। तो फिर बस वहीं पहुँच रहे हैं, तो देखते हैं टेस्ट करके आप लोग को रिव्यू बताते हैं। तो दोस्तों मैं अख्तर सर के साथ चल पड़ा हूँ, ये देखिए मुंबई सेंट्रल से पास हो रहा हूँ, मुंबई सेंट्रल स्टेशन। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सरदार जी पाव भाजी सेंटर पे तारदेव में। सरदार जी पाव भाजी यहाँ पे मुंबई में है, सरदार जी पाव भाजी नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। सही बात है सर, रिव्यू कर दे पूरा, डॉक्यूमेंट भी बना। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत एकदम। तो अख्तर सर हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड ये जो है सरदार जी पाव भाजी सेंटर, ये काफ़ी ओल्ड है, काफ़ी फेमस है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी हम लोग ने पाव भाजी ऑर्डर की है अपने लिए, अब देखते हैं कि कैसा टेस्ट है, काफ़ी नाम सुना हुआ है इनका। ये मैं पाव भाजी सेंटर के अंदर खड़ा हूँ, अभी मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो अभी देखते हैं बेसिकली कि कैसा टेस्ट है। तो ये है इनका छोटा सा मेन्यू कार्ड, इनकी स्पेशलिटी ही पाव भाजी है। वाओ ज़बरदस्त एकदम। तो ये आ चुकी है हमारी अमूल पाव भाजी। वाओ वेरी नाइस, देखने में ही खतरनाक लग रही है एकदम। वैसे ही हमारे अख्तर सर का आइडिया था, इन्होंने ही कहा कि चलिए सर सबसे बेस्ट पाव भाजी खाने चलते हैं, और फिर क्या था हम चले आए यहाँ पे। वाओ अरे यार, मतलब दिल खुश कर दिया, देखो ना कितना बटर है यार पूरा, माय गॉड बहुत ही खतरनाक, इसलिए ये फेमस है यार, अब जाके समझ में आया मुझे, बहुत सही है ये बटर में पूरा एकदम, आप देख सकते हैं कि भीगा हुआ है, बाप रे बटर फ्लो हो रहा है इसके अंदर, माय गॉड इतनी बटरी पाव भाजी आज तक मैंने नहीं खाई है, अलग ही कुछ चीज़ है ये, ऊपर से पाव में अलग से बटर लगा हुआ है, माई गॉड आई एम इम्प्रेस्ड, बहुत सही है ये, मतलब इतना बटर है कि स्पिल भी हो रहा है ये। वाओ, तो इस पर सही तरीका है ऐसा प्याज डाल के और नींबू निचोड़ के इसको खाना, माई गॉड अभी से मेरी जबान एकदम ललचा रही है। हाँ नींबू निचोड़ने का सर। तो फाइनली बहुत ही टेस्टी जर्नी हमारी ख़त्म हुई, और अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली यहाँ से एक पार्सल भी लेके जा रहे हैं। तो अख्तर सर ने जो है जस्ट अभी एक पार्सल अपने घर के लिए भी ले लिया है, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई, मुझे तो पसंद आई ही आई, बहुत टेस्टी है, और इनका पार्सल के जो हैंड बैग्स हैं ना, मतलब आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत सही है ये, माई गॉड आज एक असली पाव भाजी खा के मज़ा आ गया। तो बहुत ही सुहाना सफ़र रहा।